हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलाइसब्लू। मैं हूँ दीपेन गोगोई और आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी पिवट पॉइंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मार्केट ट्रेंड और मार्केट रेंज। तो ये देख सकते हैं आज बैंक निफ्टी पिवट पॉइंट 26270, फर्स्ट रेजिस्टेंस 26358, थर्ड रेजिस्टेंस 26516 एंड सेकंड रेजिस्टेंस एंड थर्ड रेजिस्टेंस 26604 and the first support 26112, second support 26025 and third support 25866। okay, तो आप देख सकते हैं ये मैंने 4 आवर चार्ट लिया बैंक निफ्टी का। मैं थोड़ा इसको फिबोनाची को हटा देता हूँ यहाँ से। तो अगर हम डेली में देखें तो देख सकते हैं बैंक निफ्टी तो एक्जेक्टली आपने देखा ये जो हायर बनाया, हायर बना का बनाने के बाद उसको रिट्रेसमेंट हो रहा है। तो अगर हम ये एक वेव करके देखें तो अगर हम उसको फिबोनाची कर से कनेक्ट करके उसका सपोर्टिंग लेवल अगर हम निकालें तो देख सकते हैं अभी जो मार्केट प्राइस 50 में है तो वहाँ से एक हमें एक सपोर्टिंग रेंज मिला यहाँ पे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी मिला हुआ है जो पहले ट्राई किया था तो एरिया में एक मिला। तो यहाँ से और एक 20 मूविंग एवरेज से भी यहाँ पे एक सपोर्टिंग बना के रखा हुआ है। तो यहाँ से मार्केट फिर से बाउंस हो सकता है, लेकिन एक बार देखना पड़ेगा ये अगर रिटेस्टमेंट किया तो 60 जो रिटेस्टमेंट होता है 61, ये तो अगर फिबोनाची का मैंने चेंज कर दिया आपको तो आप देख पाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ से देख सकते हैं आपने एक 50 रिटेस्टमेंट हुआ, नेक्स्ट आपको 61 में। तो दोनों में ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दे के रखा हुआ है, तो दोनों में से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना के रखा हुआ है। अगर मुझे लगा अगर 25,707 जो फिबोनाची रेंज है और यहाँ पे आप देख सकते हैं मूविंग एवरेज का भी एक सपोर्टिंग रेंज है, तो इसको ब्रेकआउट किया तो मार्केट अराउंड 25,453 तक आ सकता है, यहाँ से यहाँ तक, राइट। तो अगर यहाँ पे आ गया तो 161 एक रिट्रेसमेंट रहेगा फिबोनाची का, ठीक है। तो यहाँ से फिर से मार्केट ऊपर जा सकता है, राइट। तो इसलिए हमें वेट करना पड़ेगा इधर, यहाँ पे हमें बाय का कंफर्मेशन मिले या यहाँ पे, जहाँ पे हमें बाय कंफर्मेशन मिलेंगे तो वहाँ से हम बाय जा सकता है। तो अगर हम छोटा टाइम फ्रेम में देखेंगे जैसे 30 मिनट में, तो 30 मिनट थोड़ा मैं जूम आउट कर देता हूँ। जूम इन करने से आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला हुआ है, राइट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो यहाँ से हमें अभी क्या है, अगर हम यहाँ पे सेल ले लेंगे तो एक्चुअली क्या होता है मैं आपको थोड़ा थ्रोइंग करके दिखाऊं। तो मार्केट जब नीचे आता है अगर मूविंग एवरेज के आसपास घूमता रहता है, राइट, अगर मार्केट मूविंग एवरेज से ज़्यादा लंबा हो जाता है तो मूविंग एवरेज का पास फिर से वापस चला जाता है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे ये हो रहा है। तो आप देख सकते हैं अगर ये मार्केट नीचे आ गया तो मूविंग एवरेज बहुत ऊपर में है इसका, राइट, और ये मूविंग एवरेज के ऊपर की तरफ पुल अप हो सकता है। तो इसलिए अब यहाँ पे सेल लेना थोड़ा रिस्की हो सकता है क्योंकि ये सपोर्टिंग जोन में कभी सेल लेना नहीं चाहिए। तो अगर सेल लेना है तो इसका ब्रेकआउट होने का बाद और मूविंग एवरेज भी आ जाएगा आसपास, तो हम सेल जा सकते हैं यहाँ पे। और बाय के लिए हमें देखना पड़ेगा यहाँ से कंफर्मेशन मिलना चाहिए ये एरिया में, आइदर ये स्टोरस्टिक या सीसीआई में। जब बाय कंफर्मेशन मिलेंगे तो हम बाय में जा सकते हैं यहाँ पे, राइट। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।